हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कितना डोज लेने के बाद सेक्स टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट कम होने लगता है या नहीं होता है बॉडी पर। तो इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया कि अपनी पार्टनर को प्रेग्नेंट करने के लिए कितनी बार सेक्स करना चाहिए, तो अगर आप भी इसका आंसर जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सेक्स टैबलेट का क्या काम होता है, इससे क्या बेनिफिट मिलता है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता दूँ, सेक्स टैबलेट इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट में काम आती है। अगर आपके लिंग में तनाव या हार्ड इरेक्शन नहीं आता है या आप अपने इरेक्शन को लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो ये टैबलेट हार्ड इरेक्शन पाने में हेल्प करती है। इस टैबलेट का काम आपके लिंग में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना होता है जिससे आपको हार्ड इरेक्शन मिलता है और आप देर तक संबंध बनाने का आनंद ले पाते हैं। तो अब डायरेक्ट सवाल पर आते हैं, कितना डोज लेने के बाद इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट कम होने लगते हैं या नहीं होते हैं। आप शुरू में जब सेक्स टैबलेट लेना स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादातर लोग इससे होने वाले कॉमन साइड इफ़ेक्ट होने की कंप्लेन करते हैं। उन्हें सर दर्द, सर भारी लगना, नौसिया, चक्कर, एसिडिटी, चेस्ट पेन जैसे प्रॉब्लम होती है। ये शुरू में इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी टैबलेट को एडजस्ट कर रही होती है। आपकी बॉडी को टैबलेट के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप डोज को अच्छे से सही टाइम पर नहीं लेते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। कई बार ये सारे सेक्स टैबलेट शुरू में कई लोगों की बॉडी पर काम नहीं करते हैं, उनकी बॉडी इसके डोज को रिजेक्ट कर देती है। इसके कई कारण हो सकते हैं शुरू में टैबलेट काम ना करने के। अगर आप इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पर ऑलरेडी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। वैसे एक इम्पॉर्टेंट बात जान लीजिए कि हर टैबलेट हर किसी की बॉडी में अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकती है क्योंकि हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती है। इसलिए इस टैबलेट का शुरू में किसी पर असर नहीं होता है, तो किसी में असर होता है, किसी में साइड इफ़ेक्ट भी होता है और किसी में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो ये आपके बॉडी पर और ओवरऑल हेल्थ पर डिपेंड करता है। तो टैबलेट का कम से कम 5 से 6 डोज लेने के बाद इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट बॉडी पर से कम होने लगता है या पूरी तरह से खत्म हो सकता है। वैसे इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट से कैसे बचे, इस पर ऑलरेडी वीडियो है चैनल पर, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के ये वीडियो देख सकते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट से कैसे बचे, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस लो होते हैं या ना के बराबर होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कितने डोज लेने के बाद साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस लो रहते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसके आंसर जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।